मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, कंपनी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है, और कौन से सेक्टर में रहने वाली है, क्या लोकेशन रहने वाली है, और क्या फैसिलिटी रहने वाली है, और वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साइड और वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो आपको एंड तक वॉच करनी है, तो चलिए स्टार्ट करें। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, कंपनी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है, और कौन से सेक्टर में रहने वाली है, क्या लोकेशन रहने वाली है, और क्या फैसिलिटी रहने वाली है, और वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साइड और वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो आपको एंड तक वॉच करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है सेक्टर 9 में। कंपनी का नाम है स्पार्क मिंडा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा भर्ती है वहाँ पर। और वहाँ पे अभी वहाँ पे बॉयज़ की वैकेंसी है, ओनली गर्ल्स की नहीं है। वहाँ पे ओनली बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, 50 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 11,558 रुपये सैलरी रहने वाली है, 8 घंटे 26 दिन की। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI, हाई स्कूल, इंटर, तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BA, BSc वगैरह कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इस जॉब के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट वहाँ से 18 से 26 साल तक दी गई है। अगर आपकी उम्र 18 से 26 साल तक है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी कोई डाउट अगर है आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, और अप्रेंटिसशिप कराते हैं और ITI का डिप्लोमा कराते हैं, जो आप चाहो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।